सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सिंपल लिविंग विद शेफ पर और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, खुश आमदीद करती हूँ अपने चैनल पे आप लोगों का। और अभी बज रहे हैं 12, मैं अपना व्लॉग अभी दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है वो डेली व्लॉग है, मैं डेली मेरे क्या रूटीन है वो मैं आप लोग ज़्यादा शेयर करूँगी। तो अभी बज रहे हैं 12 और मैं कल सब्ज़ी लेकर आई थी तो मैं उसे निकाल के उसकी जगह पर रख रही हूँ। सब्जी स्टैंड को किस तरह क्लीन करते हैं उससे पहले का वीडियो मैं दिखा चुकी हूँ, क्योंकि ये क्लीन है इसलिए मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। और सब्ज़ी वाले अक्सर क्या करते हैं कि प्याज में ही मिर्च डाल दिए तो सब कुछ मिक्स हो जाते हैं, जो घर पे आके क्लीन करके रखना पड़ता है, तो वही मैं अभी कर रही हूँ। और जितनी भी सब्ज़ियाँ मैं लेकर आई थी उसे मैंने कल ही क्लीन करके कट करके रख दिया था। मेरा जो वीकली प्रिपरेशन होता है वो मैंने कल ही कर लिया था। तो अभी जो प्याज का जो कीमत है वो 50 रुपीज़ है पर केजी। तो इसे भी मैं मिर्च को भी मैं क्लीन कर लूँगी। इस तरह छोटे मिर्च मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये थोड़े तीखे होते हैं, खाने में थोड़े अच्छे भी लगते हैं। मैं दाल चावल के साथ अक्सर मैं इस तरह की मिर्च खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो इसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। प्याज मैंने रख दिया है और यहाँ पे मैं कुकुम्बर भी लेकर आई थी तो कल मुझे इतना टाइम नहीं मिला तो मैंने डायरेक्ट फ्रिज में डाल दिए थे, तो उसे मैं अब जाकर उसे ऐसे नेट वाले बैग में रख दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह के कैरी बैग में रखने से, प्लास्टिक वाले कैरी बैग में, तो वो इस तरह गीले हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इस तरह नेट के बैग में रखती हूँ और ये काफ़ी दिन तक अच्छा रहता है। इसका रीज़न यही है कि उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है और कैरी बैग में पूरे मॉइस्चर आ जाते हैं जिससे वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं। और इसे अब मैं फ्रिज में डाल दूंगी। मेरा अभी लंच मैंने दाल चावल बना लिया है क्योंकि मेरे बच्चों को भिंडी पसंद है, तो मैं इसके बाद भिंडी बनाने जाऊंगी। अभी ये जो मिर्च है उसे मैं साफ कर लेती हूँ। अगर आप मिर्च को भी साफ़ करके रखेंगी तो आपको कभी भी जल्दी में कुछ बनाना है तो बहुत झंझट होते हैं अगर कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली क्लीन ना हो तो इसलिए मैं लाते ही उन चीज़ों को साफ़ करके फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे क्या होता है मेरी टाइम की बचत होती है और खाने के टाइम मुझे झंझट नहीं होता है। तो इस तरह मैं इसे साफ कर रही हूँ। घर के लेडीज़ के लिए एक घर के काम प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपके टाइम की बचत भी होती है और आपके लिए खुद के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो ये मेरा वीकली
इसी तरह मैं प्रिपरेशन करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि लहसुन को भी छिल के मैं रख लूँ, ताकि कभी भी मुझे किसी चीज़ में छौंक लगाने का ज़रूरत हो तो तुरंत मुझे छिला हुआ लहसुन मिल जाए। तो इस तरह मिर्च क्लीन हो गया। अब मैं इसे भी फ्रिज में डाल दूँगी। दोपहर के लिए मैं दाल चावल बना चुकी हूँ, तो अब मुझे भिंडी बनाना है, क्योंकि मेरे दोनों बेटों को दाल चावल के साथ भिंडी बहुत पसंद है। तो इसे मैंने दो पानी से ऑलरेडी धो लिया, ये थर्ड पानी है, तीसरा पानी से मैं धो रही हूँ, उसे अब निकाल दूँगी। फिल्टर में पानी ख़त्म हो गया था, तो मुझे लगा कि पहले मैं पानी भर लूँ फिर भिंडी काटूँगी। तो यहाँ मैं फिल्टर में पानी स्टोर करके यूज़ करती हूँ हमेशा। ये जब तक पानी भरेगा तब तक मैं भिंडी को काट लेती हूँ। कभी कभी अगर मुझे टाइम अगर मिलता है तो मैं भिंडी भी एक रोज़ पहले ही काट के रख लेती हूँ, लेकिन कल बहुत ज़्यादा काम हो गया था तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी इसे काट रही हूँ। भिंडी काटने में भी काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए कोशिश करें कि पहले ही इसे काट के रख लें। मैंने सुबह सुबह ही कपड़े धो लिए थे, चादर थे, कुछ कपड़े थे जिसे मैं डाल चुकी हूँ, और मेरा पानी लगभग भर चुका है। और इधर मैंने भिंडी और प्याज दोनों काट लिया है, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है तीखा खाना। हर बच्चों को पसंद नहीं होता, मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है, तो मैंने एक ही मिर्च सिर्फ डाला है उसके हैबिट के लिए। मैंने सारे बर्तन भी धो लिए थे, और यहाँ पे दूध आया हुआ है, अब मैं उसे गर्म करने के लिए रख दूँगी। मैं दूध हमेशा छान के ही रखती हूँ, और दूध डालने से पहले मैं पतीले में थोड़ा पानी ले लेती हूँ। मेरा पहले का वीडियो आप देखिएगा तो उसमें भी मैंने हाउ टू बॉयल मिल्क, उसके बारे में मैंने बताया है कि किस तरह मिल्क को बॉयल करें, तो वो वीडियो भी आप मेरा ज़रूर देखिएगा। और बच्चों को कभी भी दूध पूरा प्योर नहीं देना चाहिए, उसमें थोड़ा पानी मिला के रख लीजिए। मैंने बताया था आपको कि मेरा दाल चावल बन चुका है, मुझे सिर्फ भिंडी बनानी है। तो पानी यहाँ पे भर चुका है, और मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी। मैं दूध को बॉयल करने के लिए चढ़ा देती हूँ गैस पे, जब तक बॉयल भी होगा और मेरी भिंडी भी बनेगी। तो एक साइड मैं बॉयल करने के लिए दूध चढ़ा दी है, और उसे सिम कर दूंगी ताकि ये उबल ना जाए। और मैं दूसरी तरफ भी मैंने लिया है कढ़ाई, और उसमें मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादातर करके मैं जब भी मुझे भिंडी बनाना होता है तो मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, और ये हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरा तेल गर्म हो गया है, और इसमें मैं अब भिंडी डाल दूँगी। दाल चावल के साथ भिंडी थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, इस तरह का भिंडी फ्राई बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो और भिंडी अगर कटा हुआ है तो बहुत जल्दी 10 मिनट में आपका भिंडी रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए भिंडी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, और इसमें मैंने एक ही मिर्च डाला है ताकि मेरे बच्चों को थोड़ी हैबिट रहे तीखा खाने का।
अगर मैं बिल्कुल ही भी ना डालूँ मिर्च तो बिल्कुल आदत नहीं बनेगी उनकी। और यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है स्लाइस में और उसे भी मैं डाल दूँगी। प्याज ऊपर से डालने से ये होता है, ये हल्का हल्का क्रंची रहता है जो खाने में बहुत टेस्ट देता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ये। तो मैं इसे बिल्कुल पूरा नहीं पकाती हूँ, बस हल्का क्रंची रहता है, हल्का फ्राई करूँगी और मेरा भिंडी रेडी हो जाएगा। यहाँ पे दूध मेरा लगभग उबलने पे आ गया है। मैं भिंडी में नमक लास्ट में डालती हूँ। अगर बीच में आप नमक डाल दीजिएगा तो वो एक दूसरे में चिपकने लगेगा, वो स्टिकी हो जाएगा, तो इसलिए भिंडी में नमक हमेशा लास्ट में ही डालें। ये लगभग तैयार होने वाला, अब मैं नमक को मिला दूँगी चारों तरफ से ताकि सभी भिंडी में इक्वली मिल जाए। ये मेरा भिंडी तैयार हो गया है और इसे मैं इकट्ठा करके ढक दूंगी। और गैस को ऑफ कर दूंगी। फ्लेम में यहाँ पे थोड़ा तेज करूँ ताकि दूध उबल जाए और मेरा काम किचन का फिनिश हो जाए। किचन का काम कभी फिनिश नहीं होता, इसलिए मैं इसको सिम में कर देती हूँ। जब तक ये उबलेगा तब तक मैं यहाँ खीरा काट लेती हूँ। दाल चावल के साथ खीरा भी लेना अच्छा रहता है, मेरे बच्चों को मैं हमेशा ही देती हूँ। अभी ठंड था तो थोड़ा मैंने इसे कम कर दिया था, लेकिन मौसम थोड़ा नॉर्मल हो रहा है तो इसे मैं दे रही हूँ। महाराष्ट्र के जो खीरा होता है वो तीता नहीं होता है, जबकि आप नॉर्थ साइड जाइएगा तो वहाँ के खीरे में काफ़ी तीतापन होता है, उसको ऊपर के पोर्शन से थोड़ा तीतापन निकालना पड़ता है। बट यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट छीलिए और धोकर यूज़ कीजिए। तो इसे मैं छिल के रख लूँगी, मेरा बच्चा जब स्कूल से आएगा तभी मैं इसे पीस करूँगी। इसे मैं अभी छिल रही हूँ, छिल कर मैं धो लूँगी। अभी मैं काटूंगी तो ये पानी पानी हो जाएगा, इसलिए मैं इसे ऐसे ढक देती हूँ। और दूध मेरा अब जाके उबल गया है, इसे ऑफ कर दूंगी और इसमें मैं हाफ ढक्कन लगाऊंगी। ये जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तब मैं फुल ढक्कन ढक दूंगी। अब मैं यहाँ पे अब रूम में आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े आयरन करके आ चुके हैं तो मैं उसे उस शेल्फ में रख रही हूँ। मैं एक साइड सारे लोअर को रखती हूँ और एक साइड सारे शर्ट को रखती हूँ ताकि आप अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकें। तो आप देख रहे हैं, एक साइड मैंने सारा लोअर रखा और शर्ट का एक साइड है, एक शर्ट सारे। तो एक हैंगर में मैं दो दो पैंट रख देती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा हैंगर यूज़ ना करना पड़े, और एक हैंगर में दो दो शर्ट। तो इस तरह मैंने इसे रख दिया है। और इनके ही कबर्ड में ये शावर सेविंग किट है, इसे भी मैं कभी आप अपने वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मेरा चार्जर और कैमरे का चार्जर और एडाप्टर है। तो अब मेरा बच्चा स्कूल से आ गया है तो उसे मैं खाना खिला रही हूँ। तो उसे मैंने नहा दिया है, अब मैं उसे खाना खिलाऊंगी। ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है बच्चों को खाना खिलाना, इसमें भी काफ़ी टाइम लगते हैं, बच्चों को बहुत बहला बहला के खिलाना पड़ता है ताकि वो सारा खाना फिनिश करें।
अब शाम के 4 बज गए हैं, तो मैंने ढेर सारे मटर को छिलके रखा था, तो मैं इसे अब प्रिजर्व कर लूँगी क्योंकि ठंडा का टाइम जा रहा है, सर्दियाँ लगभग ख़त्म होने वाली हैं, तो इसे प्रिजर्व करना ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। अगर आप इस तरह से प्रिजर्व कीजिएगा तो ये काफ़ी लंबे 2-4 महीने 6 महीने तक अच्छा बना रहता है। तो उसके लिए मैंने लिया है ठंडा पानी, मैंने इसे फ्रिज में डाला था कि ये ठंडा हो जाए, बट काफ़ी देर से अंदर था तो ये इसमें बर्फ़ जम गया है। अब इसे भी गलने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको गलाने के लिए मैं इसका भी उपाय करूँगी। पहले मैं उबले हुए पानी में मटर डाल देती हूँ, पानी मेरा उबल गया है, बस 4 से 5 मिनट इस पानी में उबलने दूंगी। इसका ग्रीन बरकरार रहे इसके लिए मैं इसमें शक्कर डालूंगी। अभी ये देखिए थोड़ा ये लूज़ हो गया है साइड से, लेकिन गला नहीं है पूरी तरह से। अब मैं यहाँ पे शक्कर डाल दूंगी ताकि जो इसका ग्रीनिश है वो बरकरार रहे। ऐसे भी गर्म पानी में डालने से ये काफ़ी खिला खिला हो जाता है, और अगर इसे फिर ठंडे पानी में डालेंगे तो ये थोड़ा श्रिंक करता है। ये 5 मिनट हो चुका है इसके उबलने में, और यहाँ पे बर्फ़ मेरा अभी भी पिघला नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अब इसके लिए मैं दूसरा बर्तन लूँगी और दूसरी साइड में गर्म पानी रख दिए हैं ताकि गर्म पानी डालने से वो पिघल जाए। इसका पिघलना मुश्किल है अभी, तो मैं थोड़ा बड़े बर्तन में रख लूँ ताकि पानी मैं इसमें डाल सकूँ। और ये पानी मेरा गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल दूँगी। गर्म पानी डालते ही ये पिघलना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे मटर भी रेडी है। अब मैं इसे छान के इसी पानी में डाल दूंगी, इसकी गर्मी से भी वो बर्फ़ पिघल जाएगा। पानी में डालने का ये रीज़न होता है ये ज़्यादा पके नहीं, मटर ज़्यादा ठंडा पानी में डालने का रीज़न यही है कि ये ज़्यादा पके नहीं, और ठंडे पानी में जाते ही इसका पकने का जो प्रोसेस है वो रुक जाए। देखिए बर्फ़ पिघलने लग गया है। इसे 4 से 5 मिनट मैं इसमें ठंडे पानी में मटर को रहने दूंगी। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और मेरा जो बर्फ़ है अभी भी पूरी तरह नहीं पिघला है, कुछ कुछ पार्ट्स रह गए हैं, बट मेरा काम हो गया है जो मुझे चाहिए। अब मैं स्ट्रेनर में से छान लूँगी। देख सकते हैं कितना ग्रीन हो गया है, और थोड़ा श्रिंक भी कर गया है मटर। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 महीने बाद भी ये ऐसे ही रहेगा, और इसका टेस्ट बिल्कुल फ्रोज़न मटर जैसा ही आएगा अगर आप इसे 6 महीने बाद यूज़ कर रही हैं तो। अब मैं इसे स्टोर करने के लिए मैं इस तरह का जिप लॉक बैग यूज़ करूँगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मटर स्टोर करना ना है तो इस तरह बड़े बैग लीजिए, अगर थोड़ा यूज़ करना है रखना है तो ये छोटे बैग ले सकते हैं, क्योंकि मुझे छोटे बैग ही लेना है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मटर मैं स्टोर नहीं कर रही हूँ। स्टोर करने से पहले मैं इसे सूखे साफ कपड़े में इसे फैला दूँगी ताकि जितना भी पानी है वो निकल जाए। ऊपर से भी मैं टैप कर लूंगी इस तरह। अब ये स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है।
मैं स्टोर कर लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, इतना भरिए कि ये अच्छे से इसका जो ज़िप है, जो उसका ऊपर का लॉक है, वो अच्छे से बंद हो जाए। पहले तो मैंने ढेर सारा भर दिया था, बट मैंने देखा कि ये अच्छे से बंद नहीं होगा, तो उसे फिर मुझे दूसरे में डालना पड़ा। तो ये सब करते करते अंदाज हो जाता है। जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था हर चीज़ के लिए, कैसे रखूँ, कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, बट करते करते सब आ गया धीरे धीरे। ये देखिए, मैं सारी मटर एक ही में डालने की कोशिश कर रही थी, अब मेरा ज़िप लगेगा नहीं तो ये मैं दूसरे में डाल दूँगी। ये देखिए अब ठीक है, अब मैं बाकी के बचे हुए मटर को भी डाल देती हूँ। बहुत बड़ी फैमिली होती है तो बहुत सारे मटर उसको स्टोर करना पड़ता है। मेरी छोटी फैमिली है और बच्चे मटर ज़्यादा शौक से खाते नहीं है, तो मैं थोड़ा ही कर रही हूँ, कभी कुछ स्पेशल डिश बनाना हो तो उसके लिए। और मेरे बच्चे तो मटर की पूड़ियाँ बिल्कुल ही नहीं पसंद करते, तो मैं उसे नहीं बनाती हूँ कभी भी। तो ये मटर मेरा रेडी हो गया है। तो आप जब भी ऐसे सीज़न ख़त्म हो रहा है तो मार्केट में ख़रीदने के बजाय आप घर पे ही स्टोर कर लीजिए। ये 6 से 7 महीने 8 महीने बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, जितना ज़रूरत है आप उसे निकालिए और यूज़ कीजिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।